क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम चुनी गई, जिसे करीब करीब वर्ल्ड कप की टीम भी माना जा रहा है। लेकिन इस टीम में हैरान करते हुए दिनेश कार्तिक का नाम नहीं था, जबकि बुरी तरह फ्लॉप रहे केएल राहुल को फिर से कप्तान की करीबी का फायदा मिल गया। अब इस पर दिग्गज भी बुरी तरह भड़क गए हैं, तो आपको बताएंगे आखिर कार्तिक के साथ कैसे और क्यों हुई धोखेबाजी और राहुल को आखिर क्यों मौका मिला। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर डीके और राहुल में से कौन बेहतर है। चयनकर्ताओं के इस हैरानी भरे फैसले से पहले दिनेश कार्तिक को मैच फिनिशर्स के रूप में अहम खिलाड़ी समझा जा रहा था। कार्तिक ने कई बड़े मौकों पर अपनी उपयोगी पारियां खेलकर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई थी। निदास ट्रॉफी का फाइनल तो सभी को याद होगा, जब आखिरी बॉल पर छक्का जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। और कई बार कार्तिक ने मौका मिलने पर खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम झोंका था। वो लगातार भारतीय टीम के साथ साथ आईपीएल में भी निचले क्रम पर आकर अपनी अहमियत साबित कर रहे थे और एक अच्छे मैच फिनिशर बन गए थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एडिलेड वनडे के दौरान वो दिनेश कार्तिक के थे, जिन्होंने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को अपनी छोटी लेकिन मैच विनिंग इनिंग से टीम इंडिया को जिताया था। कार्तिक जब क्रीज पर आए थे तो भारत को 38 बॉल में 57 रन की जरूरत थी और उन्होंने धोनी के साथ मिलकर अहम मौके पर 14 बॉल पर 25 रन बनाए और भारत की जीत पक्की की थी। बाद में भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। यही नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए आखिरी T20 मैच में दिनेश कार्तिक आखिरी ओवर में सिंगल नहीं लेने के चलते विवादों में जरूर घिर गए। लेकिन सच तो यह है कि उस मुश्किल मैच को भी दिनेश कार्तिक ही कुणाल पांड्या के साथ मिलकर जीत के करीब लाए थे। कार्तिक ने 16 बॉल पर नाबाद 33 रन बनाए थे, लेकिन सिलेक्टर शायद ये भूल गए कि इस मैच को इतना करीब लाने में दिनेश कार्तिक का योगदान क्या था। जब कार्तिक और कुणाल क्रीज पर आए थे तब भारतीय टीम को 31 बॉल पर 68 रन की जरूरत थी। 213 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी चुनौतियां आना स्वाभाविक था और इसीलिए एक रन नहीं लेने को इतनी बड़ी गलती नहीं कह सकते, जबकि कार्तिक को पूरा भरोसा था कि वो 2 छक्के मार सकते हैं और 1 छक्का तो उन्होंने मारा भी था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक की जगह पर उस फ्लॉप खिलाड़ी को मौका दिया है जो लगातार फ्लॉप हो रहा है। केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। हालांकि इंग्लैंड की ए टीम के खिलाफ राहुल ने 2 अर्धशतक जरूर लगाए, लेकिन वो खेल ऐसा भी नहीं था कि वो दिनेश कार्तिक के ऊपर वर्ल्ड कप टीम में चुने जाएं। अब बीसीसीआई के इस हैरानी भरे फैसले पर दिग्गजों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हर्ष भोगले ने दिनेश कार्तिक का समर्थन करते हुए लिखा, उम्मीद करता हूं कि दिनेश कार्तिक पर ये कोई आखिरी फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये उन पर बेहद कड़ा फैसला है। वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को ही वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए। पंत तीसरे ओपनर हो सकते हैं तो कार्तिक शानदार फिनिशर। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर राहुल को रवि शास्त्री और विराट कोहली से करीबी का साफ साफ फायदा मिला है, जबकि दिनेश कार्तिक के साथ तो करियर की शुरुआत से ही ऐसी धोखेबाजी होती रही है और वो इस तरह की धोखेबाजी के करीब करीब आदी भी हो चुके होंगे। तो आप भी कमेंट करें और बता दें कि बीसीसीआई ने फैसला कितना गलत लिया है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।